कीचड़ से भर जाने से मार्ग से आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी होती है परेशानियां। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है ग्रामीण, आवागमन की भारी समस्याओं से जूझ रही है ग्रामीण। अनेकों मिन्नतों के बाद भी नहीं सुलझी समस्या। विद्यार्थी स्कूल जाते समय कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। पक्की सड़क का रास्ता देखते थक गई ग्रामीणों की आंखें। आखिर कौन है जिम्मेदार, राजनेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी? आखिर इनकी समस्या का निराकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया? बेमेतरा जिले में बोधका ग्राम का मामला बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म जोकर से मिलता जुलता नजर आ रहा है। फिल्म में गांव नक्शा में नहीं था और ये बोधका गांव का रास्ता नक्शे में नहीं है। बेमेतरा जिले की साझा विधानसभा जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता रविन्द्र चौबे का विधानसभा है, एक दिग्गज नेता की विधानसभा की गांव का सड़क ही नक्शे पर नहीं, एक ऐसा गांव जिसका पहुंच मार्ग नक्शे में नहीं। नतीजन ग्रामीणों स्कूली विद्यार्थियों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साझा ब्लॉक के ग्राम बोधका से ठेलका मार्ग का, जहाँ वर्षों से न ही सड़क बनी न ही रपटा बनाया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। समस्या तो 200 साल से ही हाल है और हमला हमेशा ठेलका बाजार आ जाए में बहुत दिक्कत होते हैं। हर हफ्ता साप्ताहिक बाजार, हर चीज छोटे छोटे काम से लिए हमला ठेलका जाए पड़ते। तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वो जल्द बनाए, कोशिश करे, हमरो तरफ ध्यान दे। सोसाइटी घलो ठेलके में है, सोसाइटी है घलो हमारे ठेलके में है, और जैसे ट्रैक्टर में या कहीं में धान ल भर के लेखन तो इस जगह गाड़ी है। एक बार तो पलटी खाए हुआ है, एकदम से ढूल के इसे मुड़ गई से मोरे धान ला लेगा रहा हूँ किराया ट्रैक्टर में। मने ये जगह हर वक्त समस्या आते थे, मतलब हर बारिश में समस्या, हर बारिश में और खोला जाते तहाले वो सोसाइटी धान लेते तेनो समय वही समस्या रह रही थी। हाँ लाभ चंद को अपना जगह गए तो बोध का नक्शा नहीं है, कई दिस चुनाव समय आते तो वोट लेबर दौड़ा आते तो बोध का नक्शा नहीं है, वोट लेबर करा थे। और रविन चौबे की जगह गए तो वह कहते नक्शा नहीं है, तुम्हारे जा देख लो नक्सल कह के तो चौबे तक आते वोट लेबर, तो जब नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर का चीज क्या थे आए तो अतका जब नंदिया तरिए फूटे फूटा है तेखर जवाबदारी कम से कम मंत्री महोदय माला होना चाहिए ना, नहीं तो फिर नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर मत आवाए। हमर पर सरकार कुछ मत कराए, आए जेन भी बने हमर बस्ती अपन ये समस्या ला 10 साल हो गए देखत देखत यू हा बनी बनी की से एक 3 साल पूर गए, अब ए देरी कहूँ नहीं बनी है 2 साल बचे तेन में तो गांव भर वोटें ही डालन सीधा बहिष्कार हुई, वोट उठ नहीं डालन कोनो हेल नहीं देना है। हाँ कोई नहीं देना है वोट। आवागमन का पूरा हाल आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया हमें हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए ठेलका गांव जाना होता है। ये कच्चा मार्ग लगभग 10-12 सालों से इस स्थिति में है, न ही पूर्व के जनप्रतिनिधि न ही वर्तमान के जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सुधार पाए। सब एक ही बहाना बनाते कहते हैं कि आपके गांव का रास्ता नक्शे में नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि है, जब नक्शे में नहीं तो वोट क्यों मांगने आते हैं। इस बार समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।